That is the funda of life. Success उन्हीं को मिलता है जो इस struggle वाले moment से आगे निकलने की सोचता है। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई option नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही moment है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, आई सेड नथिंग, क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने मैं नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बताया स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, बोलता यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते हैं पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे हैं और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे। मेरा मेरे पास ऑप्शन है तो क्या बोला, देख सामने एटीएम का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगजमारी नहीं, जॉब ले ले, क्यों आईएएस आईपीएस में दिमाग खराब कर रहा है। अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ। जब भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते हैं कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, और तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ, एटीट्यूड, और नॉट फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इवन। बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन हिंदी एंड इंग्लिश, टू बी वेरी क्लियर, आई बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड ऑफ गुजरात, और मेरा स्टडी जो हुआ है वो पूरा गुजराती मीडियम में हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में। 12th तक का स्टडी मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, गुजराती बोर्ड में, गुजराती मीडियम में, एंड येट आई कैन गिव माई यूपीएससी इंटरव्यू इन इंग्लिश इन दिल्ली एंड स्कोर सच मार्क्स। वेर इट कम फ्रॉम, कहां से आता है ये? मुझे अभी भी याद है मेरा कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत था, जहां पे मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे सीबीएसई आईसीएसई वाले थे, और मैं एज ए एलियन वहां पे पहुंचा था, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैकडी जैसा भी कुछ है और उसमें बर्गर जैसा भी कुछ मिलता है। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी मेट्रो सिटी। एंड जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता था और इंग्लिश बोलने की ट्राई करता था, जो जैसे संजू मूवी में इंग्लिश दिखाया गया है गुजरातियों का, जो जीरो को जीरो बोलते हैं, उसी तरह आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियस। सो आई यूज टू स्पीक नोट्स एंड नॉट नोट्स, और डोर एंड नॉट डोर, और डोंट एंड नॉट डोंट। So they used to make fun of me. Safin, it's not don't, it's don't. Okay, fine. I had two options. Either I stop speaking English with them or improve on that and go ahead. I did decide the second option. When I started my preparation of civil services, jo English medium mein karni thi, Vajiram mein maine coaching kiya, jahan pe pura English medium mein tha, sare subjects mere liye naye the. I started from the scratch. I started from the English medium NCERT of standard 5 and 6, Gujarati dictionary, Gujarati to English dictionary, and then I started my preparation. कभी कभी ऐसा होता था कि द हिंदू का पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया और उसके बाद आई वाज लाइक कि मैंने क्या पढ़ा। ये होगा, सबके साथ होगा, बट उस जगह अगर आप टिक गए, उस जगह अगर आपने पेशेंस रखा, उस जगह आपने अगर सर्वाइव कर दिया, तो इस एग्जाम में भी सर्वाइव कर जाओगे। क्योंकि यूपीएससी की जो रेस है उसमें कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा, इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट स्टेडी रहेगा। लग जाते हैं 5 साल भी, लग जाते हैं 7 साल भी, लग जाते हैं 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। आप पढ़िए लोगों के इंटरव्यूज। मैंने क्या किया कॉलेज के 4 साल में, आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी टॉपर्स ऑन यूट्यूब, ईरा सिंगल से लेकर टीना डावी मैम तक, सबके इंटरव्यूज मैंने देखे। फॉर वॉट? जस्ट टू नो कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिससे इनको इतना टाइम लग गया, और मुझे कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना, वो जल्दी आगे आ जाता है, क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है। आई डिड द सेम, 4 साल में हर एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, चीजें समझ ली कि ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब ने की है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलतियां हैं जो इन्होंने की और जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है, कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले। सुनो सबकी, करो मन की,
दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया, वो मेरे लिए बना ही नहीं, आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ। गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? दैट्स ऑल। सर कितने घंटे पढ़े? 1 टेस्ट। रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया। वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नेवर एवर गो विद द क्वांटिटी पैरामीटर्स, 2 चैप्टर खत्म करने, 5 चैप्टर खत्म करने, 15 घंटे पढ़ना है। नो, इट्स वेरी मैकेनिकल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। एंड इफ यू, एंड वन वेरी वेरी क्लियर थिंग विच द क्लासमेट्स ऑफ माइंड हैव डन द मिस्टेक, नेवर गो फॉर एनी शॉर्टकट। इट विल नेवर हेल्प यू इन यूपीएससी। लोग क्या करेंगे, मंथली मैगजीन पढ़ेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और फिर लास्ट 2 महीने में दे विल टेक 365। जब पढ़ा है और उसी में से वो मटेरियल बना है, तो जो चीजें पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करने का क्यों हम नहीं सोचते? व्हेन यू विल रीड वन थिंग फॉर 5 times 6 times, बिलीव मी, यू विल गेट द थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बट अगर सेम टॉपिक को आप किसी और बुक में से पढ़ेंगे ना, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि माइंड की मेमोरी जो जिस हिसाब से काम करती है, आपको उस हिसाब से काम लेना है उसके पास। कॉन्फिडेंस, डोंट टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर्स। आज तक लाइफ में हमने यही किया है। अगर किसी मैरिज में भी एकदम बन ठन के गए हैं, लेकिन जब तक सामने वाला मुझे नहीं बोलता डूड यू लुक गुड टुडे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इजंट इट? वी वांट सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर्स। नो, कोई जब तक मुझे आके नहीं बोलता कि तेरे से यूपीएससी हो पाएगा, तब तक मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या अगर कोई मुझे आके बोल देता है कि भाई 3, 4 साल, 5 साल तो लग ही जाएंगे, तेरे बस की चीज नहीं है, अगेन मैं सोचने बैठ जाता हूं। कुछ लोग तो, मेरे गुजरात में तो ये कल्चर है, यहां पे ये कल्चर है नहीं, नहीं पता, लेकिन सम पीपल थिंक पहले एमपीएससी कर लो, पहले क्लास 3 क्लास 2 कर लो, फिर यूपीएससी के बारे में सोचो। ऐसा है यहां पे? यस नो? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एमपीएससी जो है, जो क्लास 3 क्लास 2 एग्जाम्स है, उसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी की रिक्वायरमेंट से कंप्लीटली अलग है। अगर एमपीएससी ये पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बना है या किसने बनाया है, उसमें कितना केजी गोल्ड यूज हुआ है या उसका आर्किटेक्ट कौन था, यूपीएससी विल आस्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या ना होना चाहिए। These people will ask you, पानीपत का फर्स्ट बैटल कहां पे हुआ था, सेकंड कहां पे हुआ था, थर्ड कहां पे हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कहां से आए थे। यूपीएससी will ask you, सारे बैटल्स पानीपत में क्यों हुए थे। एग्जाम करो, हर एक प्रॉब्लम के लिए वी हैव द सॉल्यूशंस एंड वी हैव द एग्जांपल्स, जिन्होंने अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन की है। ऑल इंडिया रैंक 2 अनु कुमारी मैडम, 1.5 साल, 2 साल के लिए अपने 2.5 साल के बच्चे को अपने से दूर रखकर प्रिपरेशन किए एट द एज ऑफ 31 एंड शी कुड बिकम द आईएएस। या यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ उमुल खैर, कि जिसको 8वीं क्लास में घर से निकाल दिया ये बोल के कि हमारे घर में बच्चियां 8वीं से ज्यादा नहीं पढ़ती, और उसी झोपड़पट्टी में रह के उसने पढ़ाई की, बच्चों को ट्यूशन दिया, 3-3 साल, 3-3 दिन, 4-4 साल पुरानी रोटियां खाई, और उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से PhD करके फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 400 something लेके आज शी इज डूइंग IRTS की ट्रेनिंग। एंड विद द जेनेटिकल डिसऑर्डर की उसके जो बोन डेंसिटी वो काफी कम है, तो आज तक 16 से 17 तो उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। डू वी हैव एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस लाइक दिस? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, या घर से निकाल दिया गया हो, या खुद मजदूरी करके पढ़ना है? नो, देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? ऑल प्रॉब्लम्स आर हियर। अगर मैंने ये सोचा होता कि अब एक्सीडेंट हो गया मेरे से नहीं लिखा जाता, नहीं लिख पाता मैं। मुझे किसी ने पूछ लिया कि सफीन हसन के अचीवमेंट्स इतने हैं, इतना सब कुछ अब मतलब पा लिया है, व्हाट इज अ फेलियर इन लाइफ? एंड आई सेड देयर इज नो फेलियर इन माय लाइफ, देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ। इट इफ यू वांट टू मेक इट सक्सेस और फेलियर, इट्स इन योर माइंड। अगर किसी चीज आपके साथ कुछ हुआ, उसमें से सीख के आगे बढ़ना का एटीट्यूड आपके पास होगा, यूपीएससी इज ऑल योर्स। सो वही चीज जो कहावत है, डिजर्व बिफोर यू डिजायर। इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विस, यू हैव टू डिजर्व फॉर दैट। इफ यू वांट कि आपके घर में फॉर्च्यूनर हो, तो पहले फॉर्च्यूनर रखने की जगह होनी चाहिए, इन सिंपल। तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा। यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन। क्योंकि आज तक दुनिया ये मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया। आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया
की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है। अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिर्फ धरती पर रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्र पर जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब। थैंक यू सो मच।